जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। आज आपसे बात करूंगा वीडियो में एक ऐसे विषय पर होने वाले वेब गोष्ठी के विषय में। कैमरा थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया था। एक ऐसे विषय पर होने वाले वेब गोष्ठी के विषय में जिस पर साहित्य, समाज, दर्शन, सभ्यताएं, संस्कार और नैतिकता, बात तो बहुत हुई है लेकिन उसके एक पक्ष पर बात हुई है, दूसरे पक्ष पर बात नहीं हुई है, जो दुनिया की आधी आबादी का सत्य नहीं है बल्कि सत्य माना ही नहीं गया है। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं, एक सभ्यता विशेष के लोग, कि इस पक्ष के शरीर में आत्मा का वास ही नहीं होता। यदि आत्मा को मानते हैं तो सभी में समान रूप से होती है, यदि नहीं मानते हैं तो किसी में नहीं होती है। लेकिन सभ्यता का एक दौर भी रहा है जो एक पक्ष मानता रहा है कि इस पक्ष में आत्मा ही नहीं होती है और पूरी सभ्यता उसका समर्थन भी करती रही है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जिस वेब गोष्ठी के विषय में, यह हो रही है 20 जुलाई को सुबह 12 बजे से, यानी कि दोपहर 12 बजे से और चलेगी 3 बजे तक, लेकिन इसका नामांकन है 19 जुलाई शाम 5 बजे तक। यदि नामांकन की लिमिटेशन है तो समझ लीजिए लिमिटेशन किसी चीज़ में क्यों लगाई जाती है, क्योंकि जब आप पर बाध्यता लग जाती है तो समझ लीजिए या विषय बदतर है या विषय बहुमूल्य है। अब ये तय आपको करना है कि जिन 3, 4, 5, 10 बातों को मैं आपके समक्ष बताऊंगा, यही तय करेंगी कि आप इस वेब गोष्ठी को सुनेंगे या वीडियो देखने के बाद अपने अगले काम में लग जाएंगे। विषय है, पहले ये सुन लीजिए, संस्कृत वांग्मय में स्त्री विमर्श। क्योंकि पोस्टर तो आपने देखा होगा वीडियो के ऊपर लगा हुआ, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाए होंगे और लगभग 50-50% हिंदी और संस्कृत में लिखा हुआ, लेकिन मूल बातें संस्कृत में लिखी हुई हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पुनः फिर वही विश्वविद्यालय जो कई दिनों से कई बेहतरीन विषयों पर करवा रहा है लाइव गोष्ठी, लाइव वेबिनार, जो कि 20 जुलाई को एक गांधी जी को लेकर भी करवा रहा है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा। उसी क्रम में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार का संस्कृत विभाग आयोजित कर रहा है ये विमर्श, संस्कृत वांग्मय। वांग्मय से मतलब है साहित्य, यानी कि संस्कृत साहित्य में स्त्री विमर्श। जी हाँ, इस पक्ष पर होने वाली है चर्चा, होने वाली है संवाद, और पुरुष और महिला दोनों ही वक्ताओं को आप सुनेंगे। और अब आपके समक्ष मैं बतलाने वाला हूँ वक्ता और दिए गए विषय, क्योंकि संस्कृत साहित्य एक ऐसा साहित्य रहा है, या कहें कि भारतीय परंपरा का एक ऐसा साहित्य रहा है जिसमें स्त्री पक्ष को कहीं ना कहीं निम्न दर्जे का, नकारात्मक रूप में या बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया है। इसीलिए जब मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि साकेत नामक खंड काव्य लिखते हैं और उसकी प्रेरणा उनको मिलती है रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से जिसका शीर्षक था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यानी के साहित्य हो, दर्शन हो या धार्मिक ग्रंथ हो, यदि उसी रामायण में सीता को स्थान दिया गया तो उसी रामायण में उर्मिला को स्थान क्यों नहीं दिया गया। तो उसी पीड़ा दर्द को लेकर मैथिली शरण गुप्त जैसा कवि साकेत जैसा महाकाव्य लिखता है, उसे मैं महाकाव्य की श्रेणी में ही रखता हूँ। विषय और उलझता हुआ ना जाए, पुनः आता हूँ संस्कृत वांग्मय में स्त्री विमर्श पर। गार्गी या पाला आंडला, भार्गवी मैत्री पुष्पा, कितने मैत्री पुष्पा नहीं मैत्री, कितने ऐसे गिने चुने नाम हैं जिनको हम साहित्य और दर्शन या शास्त्रार्थ के क्षेत्र में, हम बौद्ध दर्शन में या जैन दर्शन में देख सकते हैं स्त्री के पक्ष को लेकर। तो उसी पक्षों को लेकर 3 नहीं बल्कि 4 मुख्य विषयों पर आपके समक्ष होंगे 4 से 5 वक्ता। पहली वक्ता हैं सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची में, एक स्टेट स्तर का विश्वविद्यालय, वहाँ की माननीय कुलपतियाचार्य हैं प्रोफेसर शशि प्रभा जी। इनका विषय है वैदिक वांग्मय में स्त्री विमर्श, जो कि थीम है। एक ऐसे विश्वविद्यालय के से संबंध रखती हैं जो धर्म, संस्कृति, दर्शन से वर्तमान में कार्यरत है। जो लोग MP से रखते हैं संबंध, इस विश्वविद्यालय के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो उस विश्वविद्यालय, साथ साथ उस स्थान मध्य प्रदेश, जो जैन और बौद्ध दोनों ही दर्शन और संस्कृत साहित्य का गढ़ भी माना जाता है, उस पृष्ठभूमि के एक विश्वविद्यालय से संबंध रखती हैं और विषय है वैदिक वांग्मय में स्त्री विमर्श। इस विषय पर सुनिए प्रोफेसर शशि
प्रभात कुमार जी को, दूसरे वक्ता हैं हरिद्वार से रखते हैं संबंध उत्तराखंड संस्कृत महाविद्यालय से माननीय कुलपतिचार्य, यानी कुलपतिचार्य का मतलब होता है वाइस चांसलर, सीधी सरल भाषा में अंग्रेजी भाषी या हिंदी भाषी लोगों के लिए। संस्कृत शब्द का उच्चारण मैं नहीं कर रहा हूँ, भावार्थ अर्थ बता देता हूँ। प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, इनका विषय है धर्म शास्त्र स्त्री विमर्श। मतलब समझ लीजिए कि धर्म शास्त्रों के अनुसार स्त्री चिंतन, स्त्री विमर्श को किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों में लिखित लिपिबद्ध किया गया है, इस विषय पर करेंगे चर्चा। और खासकर धर्म के दायरे के आधारों पर स्त्री कहाँ ठहरती है और धर्म के कुछ ठेकेदारों ने स्त्री को किस एक परिधि में या किसी एक गोले में, आयत में, वर्ग में बांध कर रख दिया है धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, तो हम जानेंगे, समझेंगे प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी से कि धर्म शास्त्रों में स्त्री चिंतन, स्त्री विमर्श किस स्तर का है, कहाँ ठहरता है और क्या उस पर लिखा गया है। अगली वक्ता हैं प्रोफेसर मनु लता शर्मा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रखती हैं संबंध, अध्यक्षा हैं संस्कृत विभाग से। मैम का जो विषय है वह है संस्कृत साहित्य में स्त्री विमर्श। धर्म महावीर अग्रवाल जी का विषय है धर्म शास्त्र में स्त्री विमर्श, ध्यान रखिएगा। और जो कुलपति जो मैडम हैं, प्रोफेसर जी हैं वाराणसी से, उनका विषय है संस्कृत साहित्य में। संस्कृत शास्त्र अलग होता है, संस्कृत साहित्य अलग होता है, इस फर्क को जानिएगा। जो साहित्य के, दर्शन के, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं मेरे व्यूअर्स में, सभी इस चीज़ को, फ़र्क को, बारीकी फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है साहित्य में, दर्शन में और क्या कहें शास्त्र में। तो संस्कृत साहित्य में स्त्री विमर्श कहाँ ठहरता है, इसकी चर्चा परिचर्चा होगी वक्ता महोदय के मुख से। और साथ ही साथ आप इस वेब गोष्ठी में विश्वविद्यालय के कुलपति अर्थात महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी बिहार के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी को भी सुनेंगे, यानी कि संस्कृत साहित्य, संस्कृत शास्त्र और संस्कृत वांग्मय में स्त्री विमर्श की क्या स्थिति, परिस्थिति, संभावनाएं हैं और किस प्रकार से उसके रूप को परिवर्तित करके या आज के समय में समझने की आवश्यकता है, और क्या जो कि आरोप लगता रहा है धार्मिक ग्रंथों को, खासकर संस्कृत साहित्यिक ग्रंथों पर, कि स्त्री को बांध कर रख दिया है, स्त्री पर बहुत सी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, स्त्री को कहीं ना कहीं तुलसी की वही पंक्तियाँ कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी भी कोट की जाती है तुलसी के चरित्र को चित्रित करने के लिए। लेकिन अधिकांश लोग ये भूल जाते हैं जब वाल्मीकि रामायण की तरफ मानस का पाठ करते हैं, क्योंकि मानस की ही ये पंक्तियाँ हैं, तब आपको समझ में आता है कि इन पंक्तियों को किसके मुख से कहा गया और किसके समक्ष कहा गया, तब आपको उत्तर मिलेगा समुद्र पर सेतु बनाने से पूर्व समुद्र के मुख से ये पंक्तियाँ राम लक्ष्मण और वानर सेना के समक्ष कही गई थी। यानी कि कौन कहता है, किससे कहता है और किस परिस्थिति में कही जाती है, चाहे वो कोई कोट हो, कोई ग्रंथ हो, कोई बात हो, कोई आलोचना हो या कोई धर्मशास्त्रों ग्रंथों में बनाया हुआ कोई नीति नियम हो, हमें परिस्थितियों को जानना समझना बेहद आवश्यक है। क्योंकि भगवान बुद्ध भी कहते हैं किसी भी नियम को पूर्व में ही नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल या प्रतिकूल ही किसी नियम को बनाया जा सकता है या किसी नियम में परिवर्तन या किसी नियम को खंडित किया जा सकता है। इसीलिए बौद्ध ग्रंथ की थेरी गाथा किसी को पढ़नी हो तो ज़रूर पढ़िएगा, स्त्री के चरित्र को, स्त्री की व्यवस्थाओं को, स्त्री के शास्त्रार्थ को समझने का बेहतरीन ग्रंथ है। उसी प्रकार साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, बौद्ध साहित्य हो या भारतीय परंपराओं के भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया बेहतरीन साहित्य हो, स्त्री के पक्ष को जानना हो या पुरुष के पक्ष को जानना हो या कई भिन्न भिन्न पक्षों को डिफरेंट दृष्टिकोणों या पॉइंट ऑफ व्यू से समझना हो, तो धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे आप उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ें, अध्ययन करें, या उसको लॉजिकल दृष्टिकोण से पढ़ें, या अध्ययन करने के उपरांत या जो उसके विद्वान हैं उनसे चर्चाएं, संवाद करने के उपरांत ही आप किसी एक विषय पर अपना दृष्टिकोण बनाएं,
ज़्यादा मैं भी नहीं जानता हूँ कि किस धार्मिक ग्रंथ में स्त्री पक्ष के विषय में क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है, इसलिए आप सभी के साथ इस वेब गोष्ठी को मैं भी करूँगा अटेंड। वीडियो बनाने के लगभग 5-7 मिनट में मैं खुद कर दूंगा रजिस्ट्रेशन, क्या मालूम मेरा रजिस्ट्रेशन हो पाए या सीट ना मिल पाए। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पर आप इस लैब गोष्ठी को सुन सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने समय से करा दिया रजिस्ट्रेशन तो गूगल मीट ऐप पर भी आप इसको लाइव सुन सकते हैं और दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अपने सवाल जवाब भी कर सकते हैं वक्ताओं से। वीडियो हुआ लंबा ज़रूर है क्योंकि मैं विषय को खोलना चाहता था। वक्ताओं के विषय में मैंने ज़्यादा इसीलिए नहीं बोला क्योंकि वक्ताओं के विषय में मैं जानता नहीं हूँ। खाली पद और नाम से किसी विषय के किसी व्यक्ति के ज्ञान की परिसीमा का आकलन करना मुझे नहीं आता है, इतना विद्वान मैं तो नहीं हूँ, लेकिन विषय की जो थोड़ी बहुत समझ है, चाहे शास्त्र हो, साहित्य हो, भाषा हो, संस्कृति हो, दर्शन के आधार पर स्त्री पक्ष को समझाने का मैंने प्रयास किया और किस प्रकार धर्म ग्रंथों में स्त्री के क्या क्या रूप कपड़ा रूप का वर्णन किया गया है उसको बदलाने का प्रयास किया कि आप भूमिका कम से कम समझें इस संगोष्ठी की, कि संस्कृत साहित्य का स्त्री विमर्श पर क्या प्रभाव है और नहीं है। विषय के इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इम्पैक्ट आपको तब पता लगेंगे जब आप अटेंड करेंगे इस लाइव वेब गोष्ठी को 20 जुलाई दोपहर 12 बजे से। 20 जुलाई को शाम को आपसे फिर करेंगे चर्चा किसी फेसबुक लाइव पर, क्योंकि 19 तारीख को शाम 5:30 बजे अर्थात आज मैं आने वाला हूँ फेसबुक लाइव दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया और प्रवेश परीक्षा के संबंधित बहुत से सवाल जो मेरे व्यूअर्स ने पूछे हैं। तो आप सब रहिएगा उस फेसबुक लाइव में भी। इस वीडियो को यदि आप शेयर तभी करें जब बातें अच्छी, लॉजिक, तार्किक लगे हों और ये सूचनाएं अधिक से अधिक लोगों तक तभी पहुंचाएं जब आपको मेरी बातें निष्पक्ष लगती हों। यदि आपको जहाँ लगे मैं किसी एक पक्ष का समर्थन कर रहा हूँ, एक तरफा हूँ, आप मुझे टोकिएगा, कमेंट कीजिएगा, किसी बात पे मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप यदि मुझे कमियां बताएंगे तो आपके समक्ष वीडियो का कंटेंट बेहतरीन होता जाएगा। यदि कमियों को आप छुपाएंगे, जो कि विदुर ने कहा था, फिर मैं विषय के भीतर में नहीं जाऊंगा, कभी और चर्चा करेंगे। आप सुने इस संस्कृत वांग्मय में स्त्री विमर्श रूपी परिचर्चा को और मुझे शाम को 5:30 बजे फेसबुक पर, मेरे फेसबुक पेज पर। आप सभी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।